हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलो आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि एक कॉमन स्ट्रक्चर से हम पर्टिकुलर सारे टेंसेस कैसे बना सकते हैं। टेंसेस ले लो, सेंटेंसेस ले लो, पैसिव वॉइस ले लो, मोडाल से लो, कुछ भी ले लो। मतलब एक स्ट्रक्चर जो हमें याद करना रहता है और हम उससे WH नेगेटिव से सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखेंगे, जैसे आपको क्या याद रखना है, ये अपना हो गया अफर्मेटिव केस हो गया, ये अपना अफर्मेटिव केस हो गया। अफर्मेटिव केस क्या हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर मेन वर हो। हेल्पिंग अब क्या होगी, हेल्पिंग आपकी डूडस हो सकती है, इजारेम हो सकती है, हैज़े हो सकती है, वाज़ वर हो सकती है, विल शैल हो सकती है, ये आपकी सारी हेल्पिंग जो भी टेंस के अंदर यूज में आती है। इसके अलावा मेन वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब वही गो, वेंट, गोन, गोइंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो आपको टेंसेस के स्ट्रक्चर तो लर्न होने चाहिए, पर मैं आपको केवल पैटर्न सिखा रहा हूँ कि पैटर्न कैसे फॉलो होगा। जनरली यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करी। इसका मैं अफर्मेटिव केस एक बार आपके यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपको वैसे ही पता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बी वन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। इस टेंस को अपन आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी मैं आपको केवल पैटर्न सिखाना चाह रहा हूँ। अब पैटर्न में हमने बात करी है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर मेन वर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यू का एक स्ट्रक्चर देख लो, क्या बोला मैंने, सब्जेक्ट बोला है, इज आर एम बोला है, वर्ब में आईएनजी बोला, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगा देना। तो अफर्मेटिव केस क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर मेन वर ऑब्जेक्ट। जैसे शी इज प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया आपका। नेगेटिव केस क्या हो गया, शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सर इसमें समझाओ, जो आप रूल बोल रहे हो इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या लग जाएगा, नॉट। ये केस है नेगेटिव केस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव केस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब ये बिगनिंग में आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। इज शी प्लेइंग क्रिकेट। इसके आगे देखेंगे थोड़ा। अब इंट्रो नेगेटिव, मैंने आगे लिखे नहीं है पैटर्न, मैं आपको ओरल बोल रहा हूँ। इंट्रो नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब तो है ही है, हेल्पिंग वर्ब भाई, सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के बाद में क्या लग गया, नॉट लग गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, इज शी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज शी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। WH में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के आगे WH पुट हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि वेयर वेयर इज शी प्लेइंग क्रिकेट, देखो वेयर इज शी प्लेइंग क्रिकेट। WH नेगेटिव भी बना सकते हो, क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, वाई इज शी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि मैंने ये सेंटेंस एक ही रखा है, मैं वापिस से रिपीट, क्योंकि एक ही सेंटेंस में क्या अपनी रिदम बन पाएगी। अलग अलग सेंटेंस डायरेक्ट दे दूंगा तो आप पजल हो जाओगे। वापिस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अफर्मेटिव केस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, नेगेटिव केस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव केस हेल्पिंग वर्ब बिगनिंग में आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, इंट्रो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट। एक चीज ध्यान रखना, नेगेटिव केस के अंदर मैंने क्या करा है, नेगेटिव केस के अंदर मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा नोट लगाया, पर इंट्रो नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगेगा। यहाँ पे जनरली बच्चा कंफ्यूज ज्यादा होता है। इसके बाद में WH में क्या हो जाए, WH हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। और WH नेगेटिव में क्या हो जाएगा, WH हो गया, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एक सेंटेंस और कोई हम उठा लेते हैं, जैसे कि शी प्लेस क्रिकेट, शी प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, सॉरी वह क्रिकेट नहीं खेलती है, शी डजंट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलती है, डज शी प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलती है, डज शी नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट कहाँ खेलती है, वेयर डज शी प्ले क्रिकेट। आगे देखेंगे, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलती है, वाई वाई डज शी नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये पैटर्न अगर आपने एक बार कर लिया कॉमन स्ट्रक्चर वाला, तो
तो आपको कहीं भी इश्यू नहीं आएगा, कहीं भी आपको इतने इतने सारे याद नहीं करना. ओनली यू विल हैव टू लर्न ओनली द अपर मीडियम स्ट्रक्चर ऑफ द ऑल द टेंसेज ऑफ ऑल द मोडास रूल्स पैसिव वॉइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे. आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे आगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाना है. इसके बाद ग्रेजुअली मैं आपके ग्रामर की वीडियो भी स्टार्ट करने वाला हूँ, और जो आपकी क्लासेस हैं एनसीईआरटी की क्लासेस इंग्लिश की, उनकी भी सारी वीडियो आपको टीएमसी लर्निंग स्कूल इंग्लिश क्लासेस में मिलेंगे. आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.